गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम चकाचक हैं। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग में। सो गाइस, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के वक्त से। मौसम की बात की जाए दोस्तों, तो मौसम इन दिनों काफ़ी ख़राब चल रहा है और बारिश होने की वजह से जो है उमस में गिरावट है, ह्यूमिडिटी जो है थोड़ा कम हुई है और गर्मी के प्रकोप से भी थोड़ा राहत मिली है। बट एक निगेटिव साइड ये भी है कि हैवी रेन होने के कारण बहुत जगह बाढ़ भी आई है। तो फिलहाल हमारे एरिया में सब कुछ कुशल है और हमारे बर्ड के लिए भी ऐसा वेदर काफ़ी सुकून भरा है, काफ़ी कंफर्टेबल है और बर्ड भी काफ़ी हेल्दी है। सो दोस्तों, अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ अपने फार्म पे। सो दोस्तों, आज हमारा बैच का है 24वां दिन और इस बार जो है पोराइजा फिर से हमारे फार्म में लौट के आ चुकी है। तो फिर भी फिर से उसके सिम्टम्स हमारे फार्म में मिलने लग गए हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो जो सिम्टम्स वाले बच्चे थे जिनकी हेड स्वेलिंग और आँख बंद थी, उनको हमने सेपरेट रख दिया। सेपरेट रखने के बाद हम अब क्या करेंगे, जो इनका लीटर है उसमें चूना डाल के रैकिंग करेंगे और उसके साथ साथ हमने इनकी जो मेडिसिन है एजिथ्रॉल और इंड्रोसिन, दोनों एंटीबायोटिक हमने चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ हम B904 का भी स्प्रे करेंगे और उसके साथ साथ क्रोसलिन TH और B904 दोनों का हम स्प्रे करेंगे बारी बारी। एक दिन B904 का, एक दिन हम क्रोसलिन TH का स्प्रे करेंगे। और जो जिन बर्ड की हेड स्वेलिंग और आंखें बंद हैं उनको हम जो है रुई से B904 के पानी में, रुई से उनकी आंखें हम साफ करेंगे B904 का पानी लेके। तो उससे जो है जो इन्फेक्टेड बर्ड है उनको जल्दी आराम मिलेगा और जल्दी से उनकी आंखें खुल जाएंगी और रिकवर हो जाएंगे। हालांकि इतनी बड़ी परेशानी है नहीं, लेकिन फिर भी हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, इस बार ICU में जो है ज़्यादा बर्ड हो गए। ज़्यादा बर्ड इसलिए हो गए क्योंकि जो हमारे पोराइजा के इन्फेक्टेड बर्ड थे, देखिए बर्ड बिल्कुल अच्छा है लेकिन जो है इनके आँखों में, ये देखिए आँखों में स्वेलिंग और हेड में स्वेलिंग है, तो इससे इनकी जो है आँखें बंद हो चुकी हैं। अभी हम इनको B904 के पानी से इनको हम अच्छे से साफ करेंगे और जैसे ही ये बर्ड रिकवर हो जाएंगे हम इनको नॉर्मल बर्ड के साथ जो है शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए बहुत सारे इन्फेक्टेड बर्ड हैं, हमने सारे जो है अलग कर दिए। ये देखिए दोस्तों, B904 का हम जो है अपने बर्ड पे जो इन्फेक्टेड बर्ड हैं कोराइजा से उनको हम उनके जो है आँखों में लगाने वाले हैं और उनकी आँखें साफ करने वाले हैं। ये देखिए पानी में मिलाया और जो है
सो दोस्तों अभी हम जो है इनको एंटीबायोटिक देने जा रहे हैं। ये जो हमारा इंड्रोसिन है इसको हम दे रहे हैं 1 ml 1 liter के हिसाब से दे रहे हैं। तो अभी हम 500 लीटर की टैंक पे जो है 500 ml हम इंड्रोसिन डालेंगे, उसके बाद हम रात के पानी में इनको देंगे एजिथ्रॉल पाउडर जो ये देखे जो लास्ट टाइम हमने दिया था कोराइजा में, ये एजिथ्रोमाइसिन हम उसके बाद रात के पानी में हम इसको देंगे। सो दोस्तों अब इसी के साथ हमें आज जो है जो हमारे फीडर हैं उनकी हाइट को भी बढ़ाना अनिवार्य है, क्योंकि ये देखिए बर्ड के लिए बर्ड की हाइट अब बड़ी हो चुकी है और अब इनको जो है थोड़ा और फीडर हमारा ऊंचा करना पड़ेगा, जिससे कि इनका जो चेस्ट का पार्ट है वो भी बड़ा होगा और इनको खाना खाने में इनको फीड इनटेक करने में आसानी होगी। सो अब मैं जो है अपनी जो तीनों फीडिंग लाइन है उनको थोड़ा थोड़ा हाइट करीब करीब 1.5 inch हाइट उनकी बढ़ा देंगे। सो दोस्तों थोड़ी देर में हम जो है क्रोसलिन टीएच का भी स्प्रे करने वाले हैं। स्प्रे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कोराइजा होती है वो सीआरडी की एक स्टेज होती है और क्रोसलिन टीएच भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, और जो है जो हमारे और बर्ड जो इन्फेक्टेड होंगे वो भी इससे रिकवर हो जाएंगे, वो उनको जो है कोराइजा नहीं होगा। अगर हम स्प्रे 1-2 दिन लगातार मारेंगे तो उससे जो है कोराइजा हमारे फार्म से समाप्त हो जाएगा, और वो हम अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा फार्म जो है फुल लोड में चल रहा है और थोड़ी शाम होगी थोड़ा मौसम जो है गर्मी जो है शांत होगी उसके बाद हम जो इसका स्प्रे करेंगे और उससे हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों फैन बंद करने का रीज़न यह है कि जब मौसम थोड़ा शांत हो जाएगा उमस थोड़ा कम हो जाएगी उस टाइम पे अगर हम क्रोसलिन टीएच का फार्म के सारे फैन बंद करके हम क्रोसलिन टीएच का स्प्रे करेंगे फार्म थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए पैक कर देंगे तो उससे जो है हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए जो है हम इसका स्प्रे जो है फैन बंद करके करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले मस्त से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ एक और बात, थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग, बाय बाय।